नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज 2022 के विधानसभा चुनाव में किसे सत्ता देने वाली है और किसे जमानत जब्त कराने वाली है, मैं आज बहुजन समाज के मन की बात करूंगा जो लोगों से हमने पूछा है, जानकारी ली है और प्रत्येक अलग अलग लोगों से अलग अलग सोच रखने वाले जो है ऐसे लोगों से हमने पूछा है। बहुत सारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी के कट्टर विरोधी हैं वह भी इस बार बसपा के तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मायावती जी, और बहन मायावती जी को आप किसी एक जाति से नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जब कहा था कि सत्ता की चाबी मेरे जेब में है, तो इस देश की जनता और यही बहुजन समाज उनकी जमानत जब्त करा दी थी। बहुजन समाज में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन बहुजन समाज जो 85% है एक सवाल पूछ रहा है। हम जैसे न्यूज एंकरों से वो सवाल कर दिया है और वही सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हो सके तो आप जवाब दे दीजिएगा। सवाल यह है कि बसपा गलत, बहन मायावती जी की सारी योजनाएं गलत, सब कुछ गलत, तो जो बसपा विरोधी हैं, जो बसपा से अलग बहुजन समाज के नेता हैं, जो बहुजन समाज के हिमायती हैं, वो एक जगह क्यों नहीं? क्या ऐसे सवाल का जवाब है? जैसे आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, सावित्री बाई और कांग्रेस के डॉक्टर उदित राज, रामदास अठावले वो तो भाजपा में हैं, कुल मिलाकर जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, अगर बहन मायावती जी की योजना गलत, प्रोजेक्ट गलत, सब कुछ गलत, तो ये सब के सब एक जगह क्यों नहीं? कहने का तात्पर्य यह कि बहुजन समाज दो पार्टों में बटा हुआ, एक निखरा हुआ और दूसरा बिखरा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार बढ़ रहा है, सर्व समाज के तरफ से भी और बहुजन समाज के तरफ से भी, और बसपा निखर गई और बाकी लोग बिखर गए हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं, कुछ राजनीतिक दल जो नए नए बने पनपे हैं बहुजन समाज में, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है, उत्तर प्रदेश का 75 जिला, 403 सीट। कहने का तात्पर्य यह है, जब बिहार जैसे राज्यों में एक भी सीट नहीं निकाल पाए तो क्या उत्तर प्रदेश में निकाल लोगे? मैं ताजा एग्जाम्पल दे रहा हूं, पप्पू यादव जी लॉकडाउन में खरे खरे खरा नोट बांट दिया था आम जनता के बीच, बाढ़ में, कोरोना में, कुल मिलाकर जो आंकड़े बताए गए कि पप्पू यादव अपनी जेब से करीब 16 करोड़ रुपये आम जनता में बांटे थे, 16 तो 16, एक सीट नहीं आई। जनता सोशल मीडिया पर वोट नहीं करती, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, अपना वोट भी खराब नहीं करती, चाहे आपके जाति के, आपके घर के ही क्यों ना हो। आप अपने घर में सवाल कर सकते हैं अपने न्यारे प्यारे से, वो किसको इस बार वोट देने जा रहे हैं। सब के सब टारगेटेड हैं कि बहन जी को उत्तर प्रदेश का अगली मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे वो जाति कोई भी हो, मैं क्लियर बता रहा हूं। और बहुत सारे लोग तो सर पर हाथ रख कर कहते हैं कि मैं बसपा विरोधी हूं लेकिन इस बार बहन जी को वोट दूंगा। दर्शकों से आग्रह है, आप इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए कि यह वीडियो बहन मायावती जी तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं वह राज बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश की जनता का। लोग ये कहते हैं कि बसपा के कोऑर्डिनेटर घुसखोर, पैसे कमाते हैं, जिला अध्यक्ष पैसे पर बनते हैं,
टिकट भी बिकती है। इस तरह की बात करने वाला भी इस बार बसपा को वोट देने जा रहा है, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। बहन जी का मतलब बहन मायावती जी, जो चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, बसपा विरोधी, उनके तमाम नेताओं को गालियां देती है आम जनता, जो कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं, और तो और उनके मैनेजमेंट को, जो पुराने मैनेजमेंट हैं, उनके बारे में 500 प्रकार की कमियां निकाल देती है, लेकिन लास्ट में ये कह देती है कि इस बार तो हाथी पर ही वोट जाएगा। आखिर वह क्या कारण है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बसपा के प्रति इतनी आकर्षण कैसे बढ़ी, और बाकी जो लोग ताल ठोक रहे हैं उनकी जमानत जब्त होने वाली है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।